नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी आजीश्वरी कृपा एक सुंदर विचार आप लोगों के साथ इससे शराब का जरूर उठ नहीं लिया, इसलिए एक सुखी समय संतुलित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। सॉरी दोस्तों, मैं हमेशा हमेशा से बात बोलता हूँ। एक्चुअल में अभी अनिरुद्ध सर को में भी उनसे अभी फिजिकल मीटिंग करने गया था, तभी फिजिकल मीटिंग कर रहा था मैं, तभी उनको बोला। हमारा बेसिक जो है वो एडिशन जो है हमारा बताना बहुत जरूरी है, हमारी 12 स्टेप 12 ट्रेडिशन 12 कंसेप्ट, हमारे प्रोमिसेस, ये सब चीजें प्रियम्बल है हमारा, उसके साथ साथ हमारा डेली रिफ्लेक्शन। ये तो हमारी ऑनलाइन मीटिंग है दोस्तों, लेकिन सारी बार ये होता है अभी हम लोग नागपुर में फिजिकल मीटिंग करते तो ये जो 10 मिनट का समय रहता है हमारा इंट्रोड्यूसिंग का अल्कोहलिक, यानी उसको जो इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, उसमें वो नया अल्कोहलिक सफरी अल्कोहलिक जो आता है वो पेशेंस कहीं ना कहीं उसमें नहीं रहता है, तो जो भी आदमी उसको लेके आता है उसको बड़ी तकलीफ होती है। और ऐसे ही दोस्तों कुछ हाल मेरा था अल्कोहलिक एनिमस में, तो दोस्तों मैं खुद होके आया नहीं था। मैं दोस्तों थोड़ा सा पहले अपने खुद अपने कुछ अनुभव है, तो आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों कि मेरा अमेंड्स एंड रिलेशन, ये दोस्तों मेरा 4th और 9th स्टेप से रिलेटेड है दोस्तों। तो मैं अल्कोहलिक एनिमस में आज दोस्तों करीब करीब 11.5-10 साल करीब करीब होते आ रहे। मार्च मेरा सोब्राइटी डेट है 17 मार्च 2011, और अल्कोहलिक एनिमस जिस समय आया था दोस्तों मेरी एज कुछ 30 इयर्स की एज थी मेरी, और बहुत सारी जीवन की बर्बादी लेके अल्कोहलिक एनिमस में आया था। बोल सकता हूँ दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ मेरे शरीर में जान बची थी, बाकी कुछ भी नहीं था दोस्तों। हर वो चीजें अपने लाइफ में खराब करके आया था, हर वो चीजें बर्बाद करके आया था, और आखिरी में दोस्तों जीना किसके लिए है ये समझ में नहीं आ रहा था, जीने का कारण क्या होना चाहिए ये भी मेरे को नहीं मिल रहा था। क्योंकि दोस्तों इतना ज्यादा मैंने अपने लाइफ में इतनी ज्यादा ट्रेजेडी, इतनी ज्यादा लाइफ को अस्त व्यस्त कर चुका था कि मेरे को दोस्तों सब चीजें इम्पॉसिबल बात थी। अब मेरे को वापिस आना, मेरे को बैक होना अब मेरे लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि अल्कोहलिक एनिमस में जिस समय मेरे को लाया गया उस समय दोस्तों मेरा शरीर से 50 किलो का वजन था, मानसिकता पूरी खराब हो गई, इज्जत खत्म हो गई थी। तो ऐसी कंडीशन में अल्कोहलिक एनिमस में लाया गया था, कुछ भी नहीं बचा था। और ऐसा नहीं था दोस्तों कि मैं हमेशा से ऐसा था, मैंने दोस्तों मैं हर हमेशा शेयर करता हूँ दोस्तों मैं मेरा अल्कोहलिज्म किस प्रकार से था। मैं दोस्तों एक बचपने में बड़ा मतलब एक बोल सकता हूँ दोस्तों कि बड़ा एक स्मार्ट लड़का था, बहुत मतलब पढ़ाई लिखाई में, हर चीज में, सोच में, और काफी सारी चीज अच्छी थी दोस्तों। मेरे घर में दोस्तों अल्कोहलिज्म पहले से देखा हुआ था, मेरे पापा का अल्कोहलिज्म था, और हमारे इधर दोस्तों चारों भाई बहन मस्त अच्छे इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले, पापा रेलवे में ड्राइवर थे, साहूकारी चलती थी, बहुत अच्छा एक हरा भरा खूबसूरत परिवार था। और उनके साथ में दोस्तों उनके अल्कोहलिज्म की वजह से उनके साथ में एक ट्रेजेडी हुई कि उनके हाथ से एक दिन एक मर्डर हो गया, तो उनको दोस्तों नौकरी चले गई, उनको जेल हो गई, लाइफ टाइम का पनिशमेंट हो गया, और बहुत सारी अस्त व्यस्तता दोस्तों हमको देखने को मिली उस समय दोस्तों कुछ मेरा मेरे को याद है कि मैं उस समय 3rd स्टैंडर्ड में था, और उस समय दोस्तों बड़ी पॉजिटिव सोच थी, बड़ी अच्छी सोच थी कि विशाल अपने घर में जो भी हुआ है सब अल्कोहलिज्म के वजह से हुआ है, अपन फ्यूचर में कभी अपने को मतलब आगे अपने अपने को कभी दारू नहीं पीना है, ये चीज मेरे को समझ में आती थी, दारू बड़ी गंदी चीज होती है। और बड़ा ऑनेस्ट था दोस्तों कि अपने को यार ये सब चीजें अल्कोहलिज्म की वजह से हुई है, और आज अपने घर में पूरी डिपेंडेंसी जो थी पप्पा के ऊपर, जो डिपेंडेंसी थी, पप्पा का उनको लाइफ टाइम का पनिशमेंट हो गया, वो अंदर जेल चले गए है, और अब कैसा घर घर चलेगा, मतलब बड़ी ऑनेस्ट सोच की, अब परिवार की चिंता, अपने फ्यूचर की चिंता, सब चीजें दोस्तों उस समय सताई जाती थी, खाई जाती थी, और उस समय मैं सोचता था कि विशाल कैसा करेंगे अपन। और थोड़ा सा एक नेचर मेरा डिफरेंट ऐसा था दोस्तों, मैं एक डरा शर्मिला नर्वस किस्म का लड़का रहा करता था हमेशा, ऐसा मेरा नेचर होते जा रहा था धीरे धीरे। लेकिन आगे ऐसा हुआ दोस्तों कि मेरे को कहीं ना कहीं वो एक समय आया कि मेरे को कुछ घर से फ्रीडम मिला, और मैंने दोस्तों अपने एजुकेशन के साथ में कुछ ना कुछ एक साइड में कुछ तो भी जॉब करना चालू किया कहीं ना कहीं, और कुछ पैसा कमा के लाने के बाद में दोस्तों ऐसा हुआ कि घर में मम्मी की तरफ से वो फ्रीडम मिलने लगा, फ्रीडम मीन दोस्तों मेरे को केयरिंग बंद हो गई दोस्तों, तो और एक आजादी मिल गई थी, उस हिसाब से फिर मैंने भी अपना वो सब चीजें चालू कर दिया। एक समय आया दोस्तों कि मेरे साथ में अल्कोहलिज्म मेरे हाथ में आया, बहुत सारी चीजें दोस्तों मेरे जीवन में मैं बोल सकता हूँ कि मेरी सोच
के ऊपर अल्कोहलिज्म को मैंने हावी नहीं होने दिया, ऐसा बोल सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि काफी समय तक मेरा वो अल्कोहलिज्म जो ओकेशनल प्लानर सोशल ड्रिंकर के अल्कोहलिक यानी उसमें हमेशा बात की जाती है दोस्तों, हर वो स्टेप दोस्तों में क्रॉस करते हुए आखिरी के जो मेरे 4-5 साल थे वो बड़ी बेकार, बहुत बुरी कंडीशन थी दोस्तों, इतनी बुरी कंडीशन दोस्तों कि मेरे को बार बार उस चीज को जब रियलाइज करता हूँ तो मेरे रोंटे खड़े हो जाते, इतनी बुरी जिंदगी थी दोस्तों कि मैंने वो ओकेशनल सोशल मैंने जो प्लान करके पहले इनिशियल टाइम में मैंने दारू पिया, उसके बाद में वो हर ओकेशन पे दारू लगने लगी, फिर मेरा वो सोशल ड्रिंकर का एक जोर चला दोस्तों काफी साल तक, उसके बाद में ऐसा हुआ दोस्तों कि मेरा अल्कोहलिज्म एक्चुअल में मैं जेनेटिक अल्कोहलिक बताया गया, और मेरे दोस्तों मेरे जीन्स में वो सब चीजें थी, ऐसा हुआ कि फ्यूचर में दोस्तों मेरे पापा की जो कसर थी मैंने कहीं ना कहीं अपने निभाना चालू किया। अच्छा दोस्तों, मैंने अपनी सोसाइटी में बहुत अच्छी इमेज बनाया था, मेरे पापा के 9 भाई थे, पूरे की पूरे इंदौर में रहते, मेरे पापा सिर्फ हमारे एजुकेशन के लिए नागपुर आए थे, महाराष्ट्र की पढ़ाई अच्छी करके, और दोस्तों ऐसे में ये ट्रेजेडी होने के वजह से पूरा एक परिवार अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन देखा दोस्तों कि मैंने कभी फैमिली वो पूछने को नहीं आई, और उस समय दोस्तों ऐसा हुआ कि एक अपना बेस बना के वो अपना एक ग्राउंड तैयार करके मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल कर लिया था, और एक मार्केट में दोस्तों काफी मेरा एक्चुअल में 2-व्हीलर का रिपेयरिंग सर्विसिंग स्पेयर्स का काम है दोस्तों, तो आज के डेट में तो मेरे 4-5 वर्कशॉप है दोस्तों स्पेयर पार्ट्स का और रिपेयरिंग का, काफी सारा 4-5 मेरे नागपुर में दुकानें हैं, और ऐसे में दोस्तों उस समय ऐसा था कि मैंने काफी अपनी इमेज बना लिया था, काफी अच्छी बात बना लिया था, और बहुत सारी चीजें अच्छी होने लगी थी दोस्तों, एक फैमिली को अच्छी रिस्पेक्ट मिलने लगी थी, फैमिली दोस्तों अच्छा एक जो घर में एक बहुत अस्त व्यस्त कंडीशन हो गई थी, कहीं ना कहीं फ्यूचर में ऐसा होने लगा कि परिवार को सब चीजें अच्छी होने लगी, एक हरा भरा खूबसूरत परिवार दोस्तों फिर से कहीं ना कहीं वापिस आया दोस्तों, और कहीं लव मैरिज करा था एक गरीब घर की लड़की से दोस्तों, वेल एजुकेटेड लड़की, उसको लव मैरिज करके घर में लाया, तब तक सब चीजें ठीक थी दोस्तों, अल्कोहलिज्म फ्यूचर में अल्कोहलिज्म मेरे प्रोग्रेस करना, क्योंकि दोस्तों मेरे को कुछ भी चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं थी दोस्तों, तो ऐसा हुआ कि अब कुछ नहीं है तो फिर इंजॉय करना, और ऐसा दोस्तों इंजॉय करते करते ऐसा हुआ कि मेरे साथ में वो अल्कोहलिज्म मेरा कहीं ना कहीं मेरा प्रोग्रेस करने लगा, अननेसेसरी दोस्तों बैठ के दारू पीना, मतलब एक टाइम के बाहर बैठ के दारू पीना, वो टाइम के बाद में दोस्तों जो मेरा सोशल ड्रिंकर चल रहा था वो दोस्तों फिर मेरा कहीं ना कहीं मेरा कोटा बढ़ते गया, मेरा बाहर से जो निकलने का टाइम था 8 बजे का 9 बजे का 8:30 बजे का, वो दोस्तों मेरा कहीं ना कहीं 10 बजे 11 बजे 12 बजे 2 बजे ऐसा होने लगा दोस्तों, एक आदमी मेरे साथ में पहले बैठा करता था, फिर 4-4 लोग, फिर वही बेवड़ा वाला वातावरण, फिर वही सिर्फ गंदगी हो गई, फिर सुबह की दारू आ गई, दोपहर की दारू हो गई, 24 घंटे का अल्कोहलिज्म हो गया दोस्तों, और फिर वो ट्रेजेडी चालू हुई दोस्तों जो अल्कोहलिक एनिमस आज मेरा जो स्टेप मेरे को जो मेरा सब्जेक्ट है दोस्तों कि सही में दोस्तों मैंने कितना ना, तो वो एक उसका कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों, लेकिन एक जीते जागते परिवार को दोस्तों जो हंसता खेलता परिवार था, जो मेरे पे डिपेंड था, जो मेरे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दोस्तों, वो परिवार को कहीं ना कहीं मैंने इतना खून के आंसू रुलाया, इतना तकलीफ दिया दोस्तों, वो लड़की को जिसको एक लव मैरिज करके लाया था दोस्तों उसके घर में बड़ी बुरी गत कर दिया था, और खाने एक एक दाने के लिए मोहताज कर दिया था दोस्तों, ये कंडीशन थी, मम्मी को गंदी गंदी गाली, परिवार में गंदी गंदी गाली, देखना नहीं कि कौन कौन बाहर खड़ा है क्या खड़ा है, कोई दोस्तों फंक्शन था फैमिली फंक्शन वहां पे दोस्तों अपने हाथ से पूरा मट्टी डाल दिया दोस्तों, पानी फेर दिया, पूरे लाइफ की सत्यानाशी मचा के दोस्तों आखिरी में बस दारू में जीवन हो गया, और रोज दोस्तों 4-4 बंपर 5-5 बंपर दारू लगा करती थी मेरे को, और दारू पीने के लिए दोस्तों मैंने देसी दारू कभी नहीं पिया, लेकिन इंग्लिश दारू दोस्तों मैं रोज पीता था 5-5 6-6 बंपर, और वो 5-5 6-6 बंपर दोस्तों दारू ऐसी हो गई थी कि मैं दुकान में जाके 400 रुपए भी मैं कमाई नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे कमाई करने का ऐसा हो गया था दोस्तों, कस्टमर मेरे को आना बंद हो गया, क्योंकि कस्टमर को मैंने सिर्फ एक टारगेट बनाया था, दुकान जाना है मेरे को, आज 3,000 रुपए कमाना है 2,000 रुपए कमाना है, कस्टमर एक आया वो बेचारा कुछ 200 रुपए का या कुछ गाड़ी हाथ में लेके आया, तो उसको मैंने बोला कि सर एक काम करना आपकी गाड़ी खोल के देखना पड़ेगा वगैरह वगैरह, और खोलते खोलते इतना खोल देता था दोस्तों कि उसको सीधा बोलता था आखिरी में कि अभी एक काम कर तू पैसे लेके आया, इसको 10,000 लगेंगे 5,000 लगेंगे और गाड़ी पैक करके होना तो 2,000 रुपए लगते, और ये सब चीजें करते करते दोस्तों कस्टमर खत्म हो गए थे, आखिरी में वो गत हो गई थी, और आप लोग समझ सकते दोस्तों कि उस समय मैं अगर
आज से 10 साल पहले दोस्तों इंग्लिश दारू में पीता था, जो मेरा ब्रांड था दोस्तों, मैं वो ब्रांड अगर मैं रोज पीता था तो मेरे को कम से कम 2,500-3,000 रुपए रोज के लगते थे। और उसके लिए दोस्तों मैंने कितने अपने लेवल क्रॉस किया होगा, किस लिमिट तक मैं गिरा होगा, क्या क्या मेरी बैंक करप्सी हुई होंगी दोस्तों। सही में ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक हम लोग एक अल्कोहलिक ही जान सकता है, क्योंकि दोस्तों मैंने वो सब चीजें लेबल क्रॉस करने के बाद में ऐसा था दोस्तों कि मैंने अगर मेरे परिवार में अगर 100 रुपए की नोट एक दे दिया तो मेरे परिवार के लिए वो नोट, क्योंकि परिवार दोस्तों ऐसा था कि मेरा परिवार, मेरे मिसेस, मेरा बच्चा दरवाजे के बाहर नहीं निकलेंगे, मेरे से पूछे बगैर तुम कहीं जाओगे नहीं, मैं जब तक कुछ तुमको बोल, मैं जो बोलूंगा वही तुम करोगे, मैं जो बोलूंगा वो खाओगे, मैं जो बोलूंगा जैसा कराओगे वैसा करना पड़ेगा। और ये कंडीशन में दोस्तों परिवार के लिए अगर मैंने 100 रुपए दे दिया तो परिवार के लिए वो 100 रुपए दिवाली से कम नहीं थे दोस्तों, और मैं रोज इतने दारू पी पी के सत्यानाश ही मचा रहा था। और आखिरी में ऐसा हुआ दोस्तों मेरे को बार बार वो हॉस्पिटलाइज होने लगा, पूरा वीक हो गया था, गलंग हो गया था मैं बार बार, मेरे को 2-3 बार मेरे को दोस्तों जॉइंटिस हो गया और मेरे को बार बार हॉस्पिटलाइज किया जाता था। माँ बेचारी कहाँ कहाँ से पैसे ला के, बीबी बेचारी कैसा कैसा अरेंज करती थी, और मेरे को हॉस्पिटलाइज करवा के कहीं ना कहीं मेरे को रिकवर करके लाते थे घर पे एक। और दोस्तों आने के बाद में फिर वही मेरी गत चालू हो जाती दोस्तों, फिर दारू। ऐसा दोस्तों काफी बार हुआ। उसके बाद में ऐसा हुआ कि मेरे को लास्ट टाइम पे पंडू हो गया, और पंडू में दोस्तों डॉक्टर ने बताया था कि इसको दारू पिएगा तो मर जाएगा, क्योंकि इसका 75% लीवर खत्म हो चुका है, और ये लीवर इसका लीवर खत्म हो गया, इसको ब्लड घर में शरीर में ब्लड बनना चालू, ब्लड इसका जो है वो ब्लड पानी होने लग गया है, वो काफी सारी बातें डॉक्टर उनको बता रहा था, मैं दोस्तों सुन रहा था खुली आंखों से। फिर भी दोस्तों मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं कहीं ना कहीं दारू से दूर रहूं, बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो गई थी दोस्तों, काफी सारा कर्जा सब चीजें पूरी बर्बाद, अब जीने का कारण नहीं बचा था दोस्तों। एनिमस में मेरे को लाया गया दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा दोस्तों, क्योंकि मैंने दोस्तों आवा बावा अंडित पंडित धागे दोरे, मैंने अपनी खुद की फिजिकल कंडीशन, अपनी इज्जत को अपने साथ से गवाते हुए देखा, अपने परिवार को अपने सामने अस्त व्यस्त होते हुए देखा, बच्चे को एक दवन एक एक निवाले के लिए मोहताज होते हुए देखा, समझा लिए, मेरी डिपेंडेंसी देख लिया, सब चीजें देखने के बाद में दोस्तों मेरे जैसा आदमी दारू से दूर नहीं हुआ। और सिर्फ दोस्तों मैं बताता हूँ दोस्तों कि मेरे घर के सामने एक नागपुर का बहुत पुराना ग्रुप है, वो ग्रुप दोस्तों काफी साल तक मेरे घर के सामने हुआ करता था, और वो ग्रुप जिस जहाँ पे हुआ करता था वो मेरी स्कूल थी दोस्तों, और वो स्कूल में कई सारी बार जाके मैं वो ग्रुप में मीटिंग्स होती थी, मैं दारू पिया। लेकिन दोस्तों मेरे जीवन की ये अस्त व्यस्तता, इतनी बर्बादी होने के बाद में दोस्तों मेरे को अल्कोहलिक एनिमस का मैसेज मिलना, कहीं ना कहीं दोस्तों सब चीजें लिखी हुई थी। और मैं दोस्तों कभी से एक बचपन से कभी भी ऐसा आदमी नहीं था जो आखिरी स्टेज पे दोस्तों मैं आने के बाद में जो डिपेंडेंसी होगी थी, मैं दोस्तों हमेशा सोचता था कि यार मेरी बीवी ने मेरे बच्चे ने अच्छा जीवन जीना चाहिए, उन्होंने उनको उनके खाने के बारे में सोचता था, उनके पहनाव पहनने के बारे में सोचता था, उनके साथ में जो मैं तकलीफ देता था वो तकलीफ के बारे में सोचता था। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों वो जो मेरे अंदर लाचारी बेबसी थी, वो फिजिकल क्रेविंग जो आती थी, वो मेरे मेंटल ऑब्सेशन में जो दारू काम करती थी, वो दोस्तों बार बार मेरे को दारू मेरे मतलब हावी हो जाती थी, मेरे रिलेशन पे, मेरे परिवार पे, मेरे सोसाइटी पे, मेरे फिजिकल कंडीशन पे, हर चीज पे दोस्तों वो दारू हावी हो जाती थी। और ऐसे में दोस्तों वो अल्कोहलिक एनिमस में लाने के बाद में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा दोस्तों, और अल्कोहलिक एनिमस में मेरे को अल्कोहलिक एनिमस के बंदे लोग मेरे को बता रहे थे, अब इतना डिफिकल्ट आदमी दोस्तों एकदम से आने के बाद में अल्कोहलिक एनिमस में तुरंत आते बार वो दोस्तों मैं राइड चलने लग जाऊंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं था दोस्तों, मेरे को काफी 2-2.5 महीना लगा दोस्तों। और अल्कोहलिक एनिमस में जिस दिन से रुका हूँ दोस्तों, अल्कोहलिक एनिमस में दोस्तों हमारे एक मैंने देखा दोस्तों, हमारे लास्ट ट्रस्टी थे वो बड़े स्पिरिचुअल मेंबर थे दोस्तों, और वो साउथ इंडियन थे दोस्तों, उनका बड़ा खड़े लैंग्वेज में वो बात करते थे, मैक्सिमम टाइम वो इंग्लिश में बात करते थे, लेकिन मेरे से वो हिंदी में थोड़ा सा बात करते थे दोस्तों। तो जब मैं उनसे बात करता था उन्होंने मेरे को ये सब चीजें मेरे साथ मतलब मेरे को जो बताया दोस्तों उन्होंने कि विशाल तू एक काम कर, ये फिजिकल और ये मेंटल ऑब्सेशन पे पहले काम कर, ये स्पिरिचुअल बैंकरप्सी है ना इसको तू साइड में रख। उन्होंने मेरे को बताया कि तेरे को सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप तेरे को कहीं ना कहीं बीमारी को सुनना पड़ेगा, बीमारी को समझना पड़ेगा, उसके ऊपर पकड़ बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसके सामने सरेंडर होना पड़ेगा, तभी तेरे को ये आगे के बाकी सब चीजें काम आएगी दोस्तों। अल्कोहलिक एनिमस जो बताती है मेरे को फिजिकल एलर्जी मेंटल ऑब्सेशन के लिए मेरे को वन डे अटेम्प्ट का फॉर्मूला मेरे को बताएगी दोस्तों, लेकिन मेरा जो तीसरा पार्ट जो है दोस्तों स्पिरिचुअल बैंकरप्सी की जब बात आती है दोस्तों, मेरे नैतिकता गत पतन की जब बात आती है, तो उसके लिए दोस्तों मेरे को कारीगर होते हैं मेरे ये 12 स्टेप।
तो उन्होंने जब मेरे को बताया था कि विशाल तू फिजिकली कहीं ना कहीं मेंटली जब स्टैंड हो पाएगा, फिजिकली कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा, दारू से दूर रह पाएगा, तो कहीं ना कहीं तेरा दिमाग काम करेगा, दिमाग काम करेगा तो 12 कदम को स्टडी कर पाएगा, जब 12 कदम को स्टडी कर पाएगा तो देखो नैतिकता का तेरा जो अधपतन हुआ है दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा हूँ हर हमेशा मैंने अपने पास को रख याद करके दारू पिया हूँ, मैंने दोस्तों हर हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोच के दारू पिया हूँ, मेरे को ऐसा लगता था, अभी मेरे को घबराहट होने लगी, मेरे को ऐसा लगता था यार विशाल तूने कल रात को कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लिया बियर बार में बैठ के, जेब में साली 54 है और लाखों करोड़ों की बातें चल गई, गिल्टी फील होती थी दोस्तों, औरत के साथ में गाली गलौज कर लिया, सुबह औरत को बीवी को कैसा फेस करूंगा, ये सब चीजें होती थी दोस्तों, वो जो मैं अपने पास को याद करता था दोस्तों, फिर सवेरे जाके दारू पी लेता था, फ्यूचर की चिंता रहा करती थी दोस्तों कि कैसा होगा, अपन तो इतना बर्बाद हो गए वगैरह वगैरह करके दोस्तों, फिर दारू पी लेने का, तो अल्कोहल के न्यूज में आने के बाद भी वही हो रहा था। अब तो यार विशाल तेरा लीवर डैमेज हो चुका है, तेरा लीवर 75% खत्म हो चुका है, अब इसके लिए पैसा कौन लगाएगा, कैसे आएंगे, कैसा होगा तेरी रिकवरी, ये सब चीजें दिमाग में आती थी दोस्तों, लेकिन अल्कोहल के न्यूज जो मेरे को बता रही थी कि विशाल देखो 12 कदमों का प्रोग्राम किया है, फिजिकली मेंटली फिट होना पड़ेगा, और उसके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं 100 का प्रोग्राम फॉलो किया और एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों कहीं ना कहीं दारू की दूरी मिलने लगी। मैंने दोस्तों अपने लाइफ को बिना छेड़े दोस्तों सब चीजों को एक पेशेंस के साथ में, एक संयम के साथ में, बड़े ऑनेस्टली दोस्तों, बड़े हिसाब से, बड़े प्यार से दोस्तों प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने लगा, क्योंकि जीवन जीने की इच्छा थी, और वही बीवी के साथ में, वही बच्चे के साथ में, वही माँ के साथ में, वही बाप के साथ में, वही भाई बंधु के साथ में, और वही सोसाइटी में मेरे को जीवन जीने की इच्छा थी, और वो जब जीवन जीने की इच्छा थी दोस्तों कहीं ना कहीं अल्कोहलिक एनिमल्स में आने के बाद में जागरूक हुई थी दोस्तों, नहीं तो जब तक अल्कोहलिक एनिमल्स में आने से पहले मेरे को समझ नहीं आता दारू पीने के लिए मैं जीने के लिए दारू पी रहा हूँ कि मरने के लिए दारू पी रहा हूँ, और जब वो अल्कोहलिक एनिमल्स ने दोस्तों मेरे को एक एक दिन के हिसाब से कहीं ना कहीं स्टैंड करने लगी, और दोस्तों अब आई मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को आगे बढ़ने की बात, मेरा बेस तैयार हुआ दोस्तों, और वो बेस के बदल दोस्तों मेरा पहला टोकन लिया, मेरे पहले टोकन के बाद में दोस्तों मैंने कहीं ना कहीं अपने स्पॉन्सर के साथ में बैठ के मैंने दोस्तों अपने जो मेरी गत जीवन की जो दोस्तों अमेंड्स की बात आती है, बड़ी उतावलापन था दोस्तों मेरे को, बहुत ही ज्यादा उतावलापन था मेरे अमेंड्स के लिए, अब दोस्तों मेरे को मेरी जो भरपाई थी, मेरी भरपाई दोस्तों मैंने सोसाइटी में कर चुका था, मैंने अपने परिवार में कर चुका था दोस्तों, मैंने अपने धंधे में कर चुका था, तो ये सब चीजें दोस्तों मेरे को अमेंड्स करने के लिए मेरे को काफी सारी वो एक साथ जब सोच आती थी दोस्तों तो मेरे को ऐसा लगता था ये करूंगा तो उसका कैसा, वो करूंगा तो उसका कैसा, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा बेस मजबूत था, पहला दूसरा तीसरा कदम आगे में दोस्तों हमने निडर होकर बड़ी ईमानदारी से अपने आत्मजीवन की छानबीन की, और फर्स्ट स्टेप के तहत दोस्तों जब मैंने अपने आत्मजीवन की बड़ी एक निडरता के साथ में दोस्तों अपना बेस मजबूत करते हुए जब अपने अंदर खोजबीन चालू किया दोस्तों, तो मैंने दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैंने अपनी अच्छाई ढूंढना चालू करा कि मेरे में सही में वो क्या गुण है जो अच्छे हैं, मेरे में वो क्या गुण है जिसके बदौलत मैं आगे चल सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्या गुण है जिसके बदौलत मेरे को कहीं ना कहीं अल्कोहलिक एनिमल्स का प्रोग्राम मेरे को ताकत दे सकता है, और अल्कोहलिक एनिमल्स के प्रोग्राम के लिए दोस्तों मैंने जब अपने स्पॉन्सर के साथ में बैठने लगा और अपने कहीं ना कहीं दोस्तों वो फोर्थ स्टेप पे मैंने काम करने लगा, तो मेरे को शेयर करते करते दोस्तों मेरे को सब चीजें समझ में मेरे को आने लगी दोस्तों कि मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को अंदर मेरे कॉन्फिडेंस मेरा जागरूक करना पड़ेगा, मेरे को मेरी हिम्मत बढ़ाना पड़ेगा, और मेरे को मेरे अंदर की गंदगी निकालने के लिए दोस्तों पहले अपनी सफाई करना पड़ेगा, मेरे को अपने आप को वो मजबूती देना पड़ेगा, वो ताकत देना पड़ेगा, जो दोस्तों मेरी इन्वेंटरी बड़े ऑनेस्टली मेरे को अंदर अंदर से हर वो कॉर्नर से जाके दोस्तों वो निकालने वाली थी कि मैंने क्या क्या अपने गत जीवन में दोस्तों मैंने किस किस को नुकसान पहुंचा है, किस किस को तकलीफ दिया है, किस तरीके से मैंने मेरे को हर वो चीज याद करनी थी दोस्तों, और वो हर वो चीज याद करने के लिए दोस्तों मेरे को सबसे पहले मेरी अच्छाई ढूंढ के मैंने दोस्तों जो साइड में लगाया, और उसके बाद में दोस्तों जब मैंने अपनी बुराई और अपने कैरेक्टर पर गौर करने लगा तब दोस्तों मेरे को कहीं ना कहीं आगे बढ़ते बढ़ते मेरे को अल्कोहलिक एनिमल्स में एक एक दिन के हिसाब से जो अल्कोहलिक एनिमल्स ने बताई मेरे को अमेंड्स की जब मेरी बात आती है दोस्तों, तो मेरा 9वां कदम भी दोस्तों मेरा इससे रिलेटेड, जहां तक संभव था हमने उसके प्रतिफल का प्रयत्न किया कि तो उन्हीं को छोड़ दिया जिसका प्रतिफल करने से उन्हें और भी ज्यादा नुकसान हो जाता, तो अल्कोहलिक एनिमल्स मेरे को बताती है दोस्तों की मेरे को बहुत सारी जगह मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को मेरे प्रोग्राम के साथ में और मेरे को मेरे विचारों को कहीं ना कहीं बैलेंस में रखना पड़ेगा, मेरे को वो पेशेंस के साथ में दोस्तों काम करना पड़ेगा, मेरे को वो संयम बना के काम करना पड़ेगा, मेरे को उतावलापना कहीं ना कहीं साइड में रखना पड़ेगा दोस्तों। काफी सारी बार अल्कोहलिक एनिमल्स में बोला जाता है कि बाजे गाजे के साथ में आते हैं और बाजे गाजे के साथ में चले जाते हैं,
मतलब एकदम ढोल नगाड़े लेके दोस्तों मैं आ जाऊँ और सोबर हो जाऊँ, उसके बाद में मेरे को ये परत फेड़ करना है, ये वो परत फेड़ करना है, बड़बड़ 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 बड़ ये करना है वो करना है, भैया इसका अमेंट्स करना है उसको अमेंट्स करना है, उसका कर्जा फिरना है, सब चीजें दोस्तों जब मैं करने लग जाता हूँ तो मैंने दोस्तों अपना मजबूत बेस ही नहीं किया है, फिर दोस्तों फिर वही बात आती है कि मैंने कहीं ना कहीं दोस्तों मैं अपने आप को चोट पहुंचाना, अपने आप को नुकसान। तो दोस्तों अल्कोहलिक एनिमल्स बताती है मेरे को मेरा अपना सेफ साइड पहले बनाना पड़ेगा, मेरे को अपना सेफ साइड बना के दोस्तों, क्योंकि जब मैं अपने अमाइंट्स की बात आती है दोस्तों, मेरे कर्म ऐसे है कि मैंने अपने लाइफ में जब 21 साल शराब पिया हूँ दोस्तों, मैंने बताया कि मेरे परिवार को अगर मैंने 100 रुपए दे दिया तो उनके लिए वो दिवाली से कम नहीं था। तो मेरे को दोस्तों मेरे शायद मेरे को अल्कोहलिक एनिमल्स में आने के बाद में मेरे को शायद आज 21 साल का जो दोस्तों परत फेड़ की रहे मेरे को शायद मेरे को 42 साल लग सकते, क्योंकि मैंने दोस्तों शायद ऐसा है बहुत सारे कारण में मेरे ऐसे दोस्तों मेरे बहुत सारे कर्म ऐसे है कि शायद मेरे को मेरा जीवन कम पड़ जाएगा, बहुत सारी चीजों को शायद मैं परतफेट में नहीं ला सकता हूँ, जो मैंने अपनी माँ को गंदी गंदी गाली दिया हूँ, जो माँ ने मेरे को बेचारी ने 9 महीना अपने पेट में रखी है काफी सारी तकलीफों के साथ में, उसने जब मेरे को पैदा करी है और वो माँ को इतनी गंदी गंदी गाली दे के उद्धार किया हूँ, वो माँ को मारने को दौड़ा हूँ, वो माँ को मैं ये सही में माफी मांग के सही में कुछ तो भी उसके क्या कर सकता हूँ उसके लिए, मैं कुछ क्या मेरे मेरे पास में क्या है उसके लिए परतफेट का तरीका। तो अल्कोहलिक एनिमल्स मेरे को वार्न करती है अगर मैं जब अमेंट्स की तैयारी करने जाऊं तो पहले अपने आप को मैं पूरा प्रिपेयर कर लूं, अपने आप को पूरा तैयार कर लूं, अपने आप को वो कॉन्फिडेंस से भर लूं, अपने आप को संयम के साथ में भर लूं, अपने आप को पेशेंट के साथ में भर लूं कि सिचुएशन कोई भी आए, बहुत सारे अमेंट्स ऐसे रहेंगे कि शायद मेरे से नहीं हो मेरी ना पॉसिबल नहीं होंगे, तो मेरे को अल्कोहलिक एनिमल्स बोलती है उस समय मेरे को संभलने के लिए क्या। तो मेरे को दोस्तों सब चीजें रियलाइज जब होने लगी तो मैंने एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों अब बड़ी निडरता के साथ में अपने अंदर की खोजबीन चालू किया दोस्तों, उसके लिए मैं पहले मेरा जो पहले दूसरे तीसरे कदम का बेस था दोस्तों अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूत करने की कोशिश किया। अब स्टार्ट हुई दोस्तों मेरे को बड़ा, मैं बताता हूँ कि हमारे जो लास्ट ट्रस्टी थे उन्होंने जो मेरे को इनिशियल डे में जो मेरे को टिप दिए, उन्होंने दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक हमारा वो जो मेरे घर के सामने का जो ग्रुप था बोला, वो ग्रुप की एनिवर्सरी थी दोस्तों, और वो एनिवर्सरी में मैं गया, मेरा बड़ा अस्त व्यस्त जीवन हो चुका था दोस्तों, और अल्कोहलिक एनिवर्स में आके मेरे को कुछ तो भी 2 महीने की सोब्रेटी थी मेरी, और वो 2 महीने की सोब्रेटी के साथ में दोस्तों मैं मेरी बच्ची की छोटी सी बच्ची जो मेरे साथ डरी सहमी सी रहा करती थी, एक ही बच्ची है दोस्तों मेरे को, और वो डरी सहमी सी मेरी बच्ची दोस्तों उस समय बड़ा उसकी बड़ी कंडीशन दोस्तों डरावनी थी, 6 साल की मेरी बच्ची थी दोस्तों, और वो बच्ची को लेकर मैं जब स्कूल वहां पे गया दोस्तों, और वहां पे जाने के बाद में कुछ ऑन एनिवर्सरी के बाद में वहां पे कुछ स्वीट वगैरह दिए जा रहे थे और कुछ समोसे वहां पे दिए जा रहे थे, मैंने दोस्तों मेरे हिस्से का ले लिया, बच्ची के हिस्से का ले लिया और एक रूमाल में बांध लिया, मैं निकल रहा था उस समय उन्होंने मेरे को आवाज दी, विशाल बोले क्या हो गया, मैं बोला सर ये अल्कोहलिक एनिवर्स में आया, दारू से तो दूरी मिल गई सर, लेकिन कैसा करना भी है वो, जो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में मेरे को मेरा घर खाने को दौड़ता है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरी औरत जो है मेरी दुश्मन बन गई, मेरे माँ बाप जो है ये लोग चाहते कि मैं मर जाऊं, मैंने घर में इनके साथ जीना नहीं चाहिए। और दोस्तों एक समय वो घर एक साला मतलब वेल मेंटेन घर को ऐसा कर दिया था, एक झोपड़ा गंदा वातावरण, सब चीजें तोड़ फोड़ के रख दिया, टीवी फूटी है, वह खिड़की टूटी हुई है, टेबल को पैर नहीं है, साले चप्पल नहीं है पहनने को, घर में औरत के पास में पहनने को कपड़े नहीं है, बच्चे के पास में घर में ढंग के कपड़े नहीं है, घर की टाइल से फोड़ दिया हूँ, दरवाजे तोड़ दिया हूँ, ये इतना गंदा, ये सब चीजें कहां से होंगी, मेरे ऊपर जो 8 लाख रुपए का जो मैंने अपने पीएल लेके रखा हूँ, ये जो क्रेडिट कार्ड मार के रखा हूँ, ये सब चीजें कैसी होंगी सर, उन्होंने मेरे को बताया, विशाल ठीक है वो कब वो बात की बात है, वो होगी नहीं होंगी तब होंगी जब होंगी, लेकिन स्टार्ट तो कर, तू चालू तो कर, मैं बोला सर कैसा करूँ, जाता हूँ तो वो औरत बात नहीं करती है, मेरे को माँ मेरे को देख के अंदर चले जाती है, मैं बच्चे को जबरदस्ती मेरे साथ लेके घूम रहा हूँ कि यार कहीं ना कहीं मैं अपने आप को संभालने के लिए, मेरा बच्चा तो भी मेरे साथ में है। उन्होंने बोले तुमने अपने तरफ से कदम उठाया है क्या, अपने तरफ से कोशिश किया है क्या, अपने तरफ से स्टार्ट किया है क्या। दोस्तों अमेंड्स करने की बात कब आएगी, जब मेरे को दोस्तों मेरा ईगो का मेरा खच्चीकरण करना पड़ेगा, मेरा ईगो मेरे अंदर इतना भरा पड़ा था, मतलब इतना सारा मैंने गलती करने के बाद में, इतना सारा मैंने तकलीफ देने के बाद में, इतना सारा परिवार को परेशान करने के बाद में, आज भी मैं उनके ये इनके वजह से मैंने दारू पिया हूँ, इनके वजह से मैं परेशान हूँ, इनके वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ मेरे को दारू का ऑब्सेशन आ रहा है, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ मेरे को दारू की कमी हो रही है, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ मैंने दारू की वजह से कर्जे लिया हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ लोगों से मेरे दारू के वजह से रिलेशन खराब हुए और मैं उसका दोष दे रहा हूँ मेरे परिवार को, मेरी ये जो बर्बादी मेरे को 2 बार पंडू 2 बार मेरे को
फ्रस्ट्रेशन में परिवार से निकाल रहा हूँ, मेरे को लगता था कि मैं कल मर जाऊंगा परसों मर जाऊंगा, मेरे को उन्होंने बोले विशाल तेरे को स्टार्ट करने के बाद जितना जिन जिएगा कम से कम एक सोबराइटी का एक सोबर तो जिएगा, कोशिश तो कर स्टार्ट तो कर। दोस्तों अल्टीमेटली मैं बता रहा है एक्शन इज द मैजिक वर्ड। अल्कोहलिक एनिमल्स जो बोलती है कि अल्कोहलिक एनिमल्स की, दोस्तों मैं पहले दिन से देख रहा हूँ कि जो जो आदमी ने, जो जो मेंबर्स ने, जो जो भाइयों ने एक एक शब्द, दोस्तों हर वो शब्द आज मेरे फ्यूचर में, दोस्तों जैसे जैसे मेरी मैच्योरिटी बढ़ रही है दोस्तों, हर वो शब्द मेरे कान में आज भी है दोस्तों, हर वो शब्द सच्चे है। वो आदमी ने जब मेरे को, उन्होंने जब मेरे को बोले विशाल तू घर जा, ये मैंने फिर मैंने बताया सर ये मेरे को पूछे क्या है, मैं बोला सर कुछ समोसे और वो स्वीट्स है मैं लेके जा रहा हूँ, बोला बच्ची के लिए। मैंने बोला कई सारे दिन से मेरे बच्चों ने, मेरे बच्चे ने और मेरी मिसेस ने तो कई सारे दिन से कोई रोटी और चटनी खाने के वांदे थे। मेरी माँ बिचारी जब मेरे को दोपहर में थाली लाकर रख दिया करती थी मेरे लिए, मेरी औरत तो मेरे बच्चा भूखा रहते थे मेरी, और मैं कई सारी बार वो थाली को मैं फेंक देता था। और दिन पहले की बात, मेरे को एक बार जब जॉइंटिस हुआ पहली बार दोस्तों, दूसरा बार मेरे को जॉइंटिस अल्कोहलिक एनिमल्स में कम का मैसेज मिलने के बाद हुआ, तो मेरे को फर्स्ट टाइम जब जॉइंटिस होने के बाद में दोस्तों कुछ मेरी माँ मेरे को खाना लाकर मेरे रख दिया करती थी क्योंकि घर में कुछ खाने को नहीं था दोस्तों, और वो मेरा वीकनेस जो डॉक्टर ने बताया था मेरी माँ को, तो मेरी माँ दोस्तों मेरे भाई की तरफ से दोपहर में थाली ला के रखती थी। मेरी माँ की और मेरी बीबी की दुश्मनी करवा दिया था मैंने, मेरी माँ को लगता था कि ये लड़की के साथ में शादी किया तब से इसकी बर्बादी चालू हुई, तब से इसने दारू इतनी बढ़ गई इसकी। और मेरी माँ को, मेरी बीबी को बताता था कि ये लोग ने मेरे छाती पे बोझ बन के बैठे बचपने से, सब चीजें मैंने इन लोगों की किया और ये लोग मेरे को आज भी मेरे को परेशान करते। ये सब चीजें दोस्तों मैंने इतना जबरदस्त तरीके से उन लोगों की दुश्मनी करवा दिया। और मेरी माँ जब मेरे भाई की तरफ से मेरे को थाली परोस के लाकर दिया करती थी दोस्तों, वो दोपहर में लाके रख देती थी 3-4 बजे, और जब रात को मैं जाता था दोस्तों अपने बेवड़ा मार के पूरा, और ब्रेक बेवड़ा मार के जब जाने के बाद में दोस्तों जब मेरी औरत मेरे सामने थाली रखती थी, वो थाली को दोस्तों एक दिन मेरे को याद नहीं है कि मैंने कभी खाया हूँ, रोज फेंक देता था, लात मार देता था उसको, वो साला पूरा घर का दरिद्र वातावरण, वो बाथरूम के सामने फेंक देना, वो गंदी जगह फेंक देना, वो गंदगी मची हुई है, वो घर में पूरा दलिद्दर वातावरण था दोस्तों, ऐसा लगता था रोज किसी की मैयत हुई है इस प्रकार का वो घर का वातावरण था। और वो वातावरण में दोस्तों वो थाली फेंक दिया करता था, वो थाली फेंकने के बाद में दोस्तों ऐसा ठंडकाले का समय था, दिसंबर महीने की बात थी दोस्तों, मेरे को याद है क्योंकि शायद उस समय लास्ट में नवंबर के लास्ट में दिवाली हुई थी दोस्तों, और मेरे को दिसंबर महीने की बात है, हरा भरा लोग त्योहार मना रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मेरा घर दोस्तों एक पनौती भरा दलिद्री वातावरण के साथ में, एक मैयत वाले वातावरण के साथ में, बिचारी औरत एक कुंटे में बैठी है, सूख गई है बिचारी, हड्डी का ढांचा बन गई है, एक बच्चा पोलियो पेशेंट जैसा हो गया है, और वो ठंडकाले में दोस्तों मेरी तमाशे देख के मैं गाली गलौज करूंगा, उनको मारपीट करूंगा करके वो बेचारे ठंड में जाके छत पे कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते बैठे दोस्तों। मेरी बैंक करप्ट इतना हो गया था दोस्तों कि आखिरी की सिचुएशन ये थी कि जब मैं वो बेड पे, मैं रोज जाता था दोस्तों, रोज ब्लैकआउट में चले जाता था, ब्लैकआउट में इस प्रकार जाता था दोस्तों, ब्लैकआउट में गया तो मेरे को एकदम अनकॉन्शियस में गया, जब मैं सवेरे ब्लैकआउट से निकलने के बाद मेरी आंख खुलती थी, लेकिन दोस्तों ऊपर वाला निकल मेरे को कुछ तो भी मेरे कर्म दिखाना चाहता, दिया था थाली को लात मार दिया था दोस्तों, और मैं जाके चीत हो गया। मेरा बच्चा दोस्तों मेरे बेडरूम में आया, और वो आने के बाद में दोस्तों बच्चे ने वहां पे, मैं रोज चीत पड़े रहता था, रोज चीत पड़ा था दोस्तों मैं बेड पे, और बच्चे ने जैसा वो स्विच बोर्ड बटन दबाया दोस्तों लाइट का, वो लाइट का बटन दबाने के बाद में मैं जबकि किसी से उठने वाला नहीं, कोई मेरे सामने मार दे लात मार दे कुछ भी कर दे चिल्ला ले, लेकिन मैं उठता नहीं था दोस्तों, ब्लैकआउट से नहीं निकलता था। उस दिन पता नहीं ऊपर वाला क्या दिखाना चाहता था, एक मेरे बच्चे ने दोस्तों वो स्विच बोर्ड का बटन दबाया, और बटन दबाया दोस्तों लाइट जली, और मेरे को कुछ तो भी लगा कि यार क्या हुआ, और देख रहा हूँ दोस्तों मेरी बच्ची बिचारी छोटी सी बच्ची वो थर 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 करते हुए दोस्तों अंदर एंट्री कर रही है, और रूम के अंदर मैं देख रहा हूँ वो क्या कर रही है, जा रही है, दिख रही है दोस्तों मेरे को, मैं उसको कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, या हिम्मत हो रही है मेरी उठने की, मेरी ताकत नहीं लग रही है, और जैसा जैसा दोस्तों देख रहा हूँ बहुत देर तक वो मेरे बच्चे ने घबराते हुए छुपके छुपके वो दीवार जमीन पे से रोटी उठाई, और वहीं पे दोस्तों उसने बिचारी ने वो सब्जी समेटी, वहां से दाल समेटी, राइस पड़ा था वो राइस को प्लेट में समेटी, और मेरे बाजू से दोस्तों थर 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 कपते हुए बच्चा जा रहा है, छोटा सा बच्चा दोस्तों, एक उन ये पहनी थी दोस्तों नीचे का लोअर, और वो बिचारी छोटी सी बच्ची कपती वो थाली लेके जा रही है, और मैं दोस्तों हिम्मत करके कैसा तो भी देख रहा हूँ कि धुंधलापन, और वो दोस्तों देखते देखते मैंने उठा और बच्चे को जम से गाली दिया, मदर रख बोला
कहाँ लेके जा रही तू, और बच्ची को पकड़ा दोस्तों, और उसको मैं वो ठंडी ठंड थी दोस्तों, वो ठंड मेरे को सहन नहीं हो रही थी, और वो बच्चे के पास में पहनने को कपड़े नहीं, और वो बच्चा बेचारा दोस्तों सही में एक वो भिखारी के बच्चे के समान गत, और बच्चे को हाथ से थाली छीना दोस्तों, और उस छत पे से ले जाके मैंने वो नीचे फेंक दिया दोस्तों थाली, और मेरे बच्चे को बोला चल तेरे को किचन में कुछ खाने को देता हूँ, तो विशाल की औलाद है तू जमीन पे का खाना खाएंगी दोस्तों, गंडलते गुंडलते बच्चे को लेकर गया, हर वो डब्बे खोल रहे हैं लाइट जला के, बच्चे को एक डब्बा खोलने दे रहा है, एक डब्बा मैं खोल रहा हूँ, एक एक डब्बा खाली है दोस्तों, औरत वो छत पे बैठी हुई है जाके, क्योंकि वो उसको मालूम था ये जाएंगे मैं जाऊंगी चले जाऊंगी तो ये साला और तमाशे कर देगा दोस्तों, पूरे डब्बे खाली खोल खोल के देखा, वो बच्चा भूख के मारे तड़प रहा था, रो रही थी दोस्तों, और वो बच्ची को मैं बोल रहा हूँ रुक जाते को देता हूँ कुछ खाने को, और डब्बे खोला दोस्तों, एक एक अनाज का डब्बा खाली था, कुछ डब्बों में सिर्फ थोड़ा सा राई जीरा और कुछ चीनी पड़ी हुई थी दोस्तों, सिर्फ इतना कुछ थोड़ा सा दोस्तों, थोड़ी थोड़ी वो भी, और बाकी पूरे अनाज के डब्बे खाली थे, और मेरे बच्चे को प्रॉमिस किया दोस्तों, और मैं बड़ा इमोशनल हो गया था उस समय, और बच्चे को प्रॉमिस किया बेटी देखो सवेरे मैं कुछ लाके खिलाऊंगा, और दोस्तों सवेरे मैं जाने के बाद में सबसे पहले मैंने दारू पिया, और दिन भर का वही बेवड़ा बन के रहा दोस्तों। अब ये सब चीजों के दोस्तों आज मैं बच्चे को खिला सकता हूँ, पिला सकता हूँ, सब चीजें उसकी अच्छी कर सकता हूँ दोस्तों, सही में उसके इमोशंस के साथ में जो मैंने घात किया हूँ ये मेरे अमेंट्स में आ सकते दोस्तों। मैंने दोस्तों जब मेरे को उन्होंने बताया विशाल एक काम कर तू कुछ स्वीट लेके जा और परिवार के साथ में बैठ, तेको शुरू करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, तू एक एक के बाद में ही तेको 10 पे जाएगा, एक के बाद में तू 9 पे जाएगा, एक के बाद में तू 4 पे जाएगा, डायरेक्ट तू 4 पे 9 पे नहीं जा सकता, जब उन्होंने मेरे को बताया तो हिम्मत आएंगी, ताकत आएंगी, लिटरली बता रहा हूँ दोस्तों, इतना जबरदस्त मैजिक मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम जो अल्कोहलिक एनिमल्स में आने से पहले दोस्तों मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी को सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, उनको दोस्तों लाइफ टाइम का पनिशमेंट होते जा रहा है, पनिशमेंट होते जा रहा है, पनिशमेंट होते जा रहा है, मेरा दोस्तों भरोसा उड़ गया ऊपर वाले से, मेरा भरोसा उड़ गया दुनियादारी से, मेरे को लगा यार अपने जीवन में सब चीज अपन अनसक्सेस है, अपने जीवन में कुछ भी सही चीज नहीं हो सकती, पहली बार दोस्तों मेरे जीवन में एक लाइफ में बड़ी अच्छी चीज मेरी घड़ी दोस्तों, और वो ये थी दोस्तों तो कि मैंने जब उन्होंने मेरे को बताया विशाल एक काम करते रहे, मैं पैसे कितने, बोला सर मेरे जेब में कुछ 150-200 रुपए पड़े सर, बोल मैं बोला सर फिर भी आज मैं मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि यार जाके दारू पी लेना, लेकिन सर बोला ये 150-200 रुपए मेरा कुछ होता नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि बाकी के मैं कहां से जुगाड़ करूंगा, और सर मैं जितना दारू पी के नहीं खस्त हुआ हूं ना सर, उतना मैं लोगों को दारू का जुगाड़ करने में मैं परेशान हो चुका हूं, उन्होंने मेरे को बोले तेरे को कुछ नहीं करने की जरूरत है विशाल, ये काम कर जा अभी कुछ स्वीट ले, कुछ और नाश्ता ले, परिवार के साथ में बैठ, आज बोल बीबी को कि मेरे को तेरी मदद की जरूरत है, मेरे को तेरी हेल्प की जरूरत है, मंग भीख मंग बोले जाके, आज तू बाहर वालों के सामने गिड़गिड़ा रहा है ना, बोले तू बोल रहा है ना, बोले तू एक काम कर जा बात कर, बोले आज औरत से बात कर, बीबी से माँ से बात कर, और दोस्तों लिटरली बता रहे मैंने एक्शन किया, मैंने जो अमेंट्स की बात बताई दोस्तों मेरी औकात नहीं है अमेंट्स की, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक्शन के थ्रू दोस्तों मैंने प्रोसेस चालू किया 2 महीने की सोबरिटी में दोस्तों, मैं वो मीटिंग से निकला एक स्वीट हाउस में आया दोस्तों, वहां से कुछ समोसे लिया और वहां से दोस्तों कुछ स्वीट लिया, और कुछ मेरे को उन्होंने बताया फल फ्रूट वगैरह कुछ लेके जा, और मैं दोस्तों मेरे घर में एंट्री करा, मेरे घर में मेरी मम्मी नीचे रहा करती थी मेरे छोटे भाई के पास में, मेरी मैंने मेरा भांजा छोटा वाला भांजा वहां खेल रहा था, मैंने ऊपर गया दोस्तों ऊपर चढ़ा, मेरे भांजे को बोला एक काम कर अम्मा को ऊपर भेज बोला, और मेरे को दोस्तों पहले बड़ा ईगो था, बड़ा साला है मेरे को ये था कि मैं मेरी माँ से माफी मांगूंगा, इनसे मैं बात करूंगा, इनके सामने मैं झुकूंगा रेट, लेकिन दोस्तों जब मैंने उस दिन मैंने वो हिम्मत करके मैं गया ऊपर, ऊपर जाने के बाद में वो कहीं ना कहीं मेरे भांजे को बोला ये मामी को दे, और मामी को बोलना कि प्लेट सबके लिए निकाल के लाए, और वो बाहर हॉल में लेके आए, अपन मामा को कुछ बात करनी है, दोस्तों मेरी औरत को भी लगा कि ये क्या कर रहा है, क्या बात करना है, मेरी औरत को भी दुनिया भर के टेंशन के साथ में उसने बिटाइन जैसा जैसा प्लेट में दोस्तों वो नाश्ता परोस के लाई मेरी मम्मी आके बैठी वहां पे, और मेरी मम्मी आके बैठी दोस्तों, मेरा छोटा भाई देख, मेरा छोटा भाई और बहू आगे पीछे पीछे कि ये साला पागल कर क्या रहा है, कौन से एड़े चाले कर रहा है, वो एक्शन था दोस्तों, वो एक्शन मेरे को उस समय तो नहीं मालूम था, मेरे को अमेंट्स क्या होते, उस समय नहीं मालूम था माफी मांगना क्या था, उस समय नहीं मालूम था उनको परत फेड़ क्या होता है, लेकिन उस समय दोस्तों जो एक्शन किया मैंने, जैसा मैंने मैं बता रहा लिटरली दोस्तों, मैंने कोई दिखावा नहीं कर रहा था, कोई नौटंकी नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था यार मैंने इनके बहुत इनके जज्बातों के साथ में खेला हूँ सही में, और मेरे को उस समय पता नहीं अचानक ऐसा लगा कि यार मैंने मेरी बीवी से तो पैर पड़ के मैं माफी मांगना छोटी सी बात है दोस्तों, मैंने मेरी औरत के पैर पकड़ लिया और उसको पैर पकड़ के दोस्तों मैंने माफी मांगा, मेरी औरत ने दोस्तों झटक दी मेरे को और फट से उठा के मेरे को दोस्तों गले लगा लिया औरत ने, और वो गले लगा के दोस्तों उसने जो ताकत दी दोस्तों आज भी वो फील करता हूँ, वो इमोशंस दोस्तों मेरे को आज भी मेरे को ऐसा मेरे को गदगद कर देते, इतनी ताकत बढ़ा देते, मेरी माँ ने, मेरे भाई ने, मेरे भाई को जब मैंने बोला कि मेरा सब इतना लाइफ
मैं इमोशनल हो जाता हूँ दोस्तों ये चीज शेयर करते हैं कि मैंने मेरे भाई को बोला कि कैसा हो अभी आप इतना सब बर्बादी हो गई कैसा होगा, मेरे को जीने की इच्छा नहीं होगा तुम लोग, या तो अगर जीना चाहता हूँ मेरे को तुम्हारी मदद की जरूरत है। दोस्तों इतना बता रहा मेरा परिवार बेचारा रहा देख रहा था, उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी मेरे से कुछ नहीं, उनको सिर्फ ऐसा था कि एक मैं प्यार भरी मुस्कान के साथ में उनके साथ में रहना चाहिए उनके साथ में। मैं दोस्तों हेकड़ी में था अपने, मेरी दारू के वजह से बर्बाद हुए, मैं अल्कोहलिक एनिमल्स में जा रहा हूँ, मेरे को दारू छोड़ने दूर दूर जाना पड़ रहा है, मेरी बेचारे सब चीजें तकलीफें भोग रहे हैं और उसके बाद में मैं जिनको हेकड़ी दिखा रहा हूँ, मैं गर्मी दिखा रहा हूँ। और दोस्तों जब मैंने वो गया वहां पे, जब मेरे भाई ने आके मेरे को गले मिलाया, अरे बोले कुछ नहीं होता, बोले सब चीजें निपट जाएंगी, सब चीजें कर लेंगे, बोले अपन कोई टेंशन नहीं, बोले तूने जब इतना कमाया, बोले कोई तेरी छोटी बात है, बोले चिल्लर बात है, बोले मैं भी हूँ, बोले साथ में मेरी माँ ने दोस्तों मेरे को प्यार करी, पप्पी ले ली, जो माँ को इतनी गंदी गंदी गाली दिया था, इतना तकलीफ दिया था दोस्तों, मेरे बीबी ने उस दिन मेरे को गले लगा ली, नहीं बोले हम तुम्हारे साथ में है, बोले मैं बोले इतनी तकलीफ होने के बाद में तुम्हारे को छोड़ के नहीं गई, अब कैसे जाऊंगी, बोले तुम्हारे से कैसे गुस्सा रहूंगी, बोले दोस्तों इतना बता रहा मेरे बच्चे मेरे को आके पकड़ लिया, बड़ा सिचुएशन दोस्तों बड़ी खतरनाक, मतलब ऐसी आज भी दोस्तों रोंटे खड़े होने वाली सिचुएशन थी, मैं बड़ा उसमें भावुक हो जाता हूँ दोस्तों, आंसू निकलने लग जाते वो सिचुएशन से बात करता हूँ, इतनी ताकत दे दी दोस्तों। और फ्यूचर में दोस्तों आते आते मेरे को अल्कोहलिक एनिमल्स मेरे को यही बताती है दोस्तों कि मेरे अमेंट्स ये जो मेरे को बताया गया दोस्तों कि कई सारे पर फॉर एग्जांपल तौर पे दोस्तों मैंने कई सारे कस्टमर को अपने नुकसान पहुंचा, कई सारे मेरे क्लोज रिलेटिव थे दोस्तों मैंने उनको तकलीफ दिया। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने एक मेरे कस्टमर को मैंने आज अल्कोहलिक एनिमल जो बताती है मेरे को अमेंट्स एंड रिलेशन में को, मेरे दोस्तों मेरे अमेंट्स करते करते मेरे को ये याद रखना है, मेरे को ये ध्यान में रखना है कि मैंने बहुत सारे लोगों से रिलेशन मेरे खराब हो चुके हैं और आज वो मेरे को अल्कोहलिक एनिमल्स की सोबरिटी मिली है, तो मेरे अमेंट से कहीं ना कहीं मेरे रिलेशन के ऊपर आंच ना आए। आज दोस्तों मैंने जिस तरह प्रकार मेरे को बताया गया, एक फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने अनुरुद्ध भाई की गाड़ी कभी बनाया है और अनुरुद्ध भाई ने मेरे को उन गाड़ी का उन्होंने मेरे को पे करके चले गए 5,000 रुपीज और उन्होंने मेरे को पूछे नहीं ताछे नहीं दोस्तों, उनके गाड़ी में मैंने 2,000 रुपए का काम किया, मेरे को मालूम है कि अच्छा कस्टमर है, कभी पूछता नहीं है ताछता नहीं है, अंधाधुंध बिल दे देता है वगैरह वगैरह, जैसे तरीके से दोस्तों मैंने सोच के साथ में गया। आज मैंने मेरे को अल्कोहलिक एनिमल्स उस बताती अनुरुद्ध भाई को नहीं मालूम है, आज बाहर की दुनिया वालों को नहीं मालूम है कि मैं क्या था और मैं आज कैसा हूँ, उनको कोई मतलब नहीं है सब चीजों से। आज मैं उनको बोलने जाऊंगा यार अनुरुद्ध भाई मैंने उस समय तुम्हारी गाड़ी में काम तो 5 रुपए का था, सॉरी दोस्तों एक फोन आया था, तो इतनी सारी ये सब चीजें कंडीशन होने के बाद में दोस्तों मेरी रे वापिस आना और ये सब चीजें के बाद में दोस्तों अल्कोहलिक एनिमल्स मेरे को बताती कि मेरे जो रिलेशन खराब हुए वो मेरे कहीं ना कहीं मेरे अमेंट्स में दोस्तों मेरे को बताती अल्कोहलिक एनिमल्स कि मेरे रिलेशन को खराब नहीं होना चाहिए। आज मैंने अगर मेरे को कस्टमर को अनुरुद्ध भाई जैसे कस्टमर को मैंने बोलने गया कि सर मैंने उस समय तो तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे को मैंने लूट लिया था, मैंने तुमको आज मैं तुमको उसकी रिकवरी देता हूँ दोस्तों, उसको उसकी रिकवरी से ज्यादा उसको वो दिन याद रहेगा जो मैंने उसके सामने ओपन माइंड शेयर कर रहा हूँ कि यार इसने तो मेरे को लूटा है, इसने जब बेहोशी में और इसने ये तकलीफ में इसने जब मेरे को इतना लूटा है तो आज ये होशमंदी में मेरे को कितना गाड़ सकता है, ऐसा दोस्तों थॉट आ सकते हैं। मैं एक मेरे स्पॉन्सी का दोस्तों मैं एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, पूरा अल्कोहलिज्म उसके 9 साल के अल्कोहलिज्म में दोस्तों इतनी अस्तव्यस्तता होने के बाद में उसके उसका उसका दोस्तों हमेशा मैं मेरे से शेयर करते रहता दोस्तों लड़का कि इतना सारा उसके साथ में उसने कभी भी इतनी बर्बादी किया, उसने सब चीजें करने के बाद में उसकी इतने भयानक अल्कोहलिज्म में दोस्तों उसकी मिसेस ने उसको छोड़कर नहीं गई, लेकिन अल्कोहलिक एनिमल्स में आने के बाद में दोस्तों अल्कोहलिक एनिमल्स की 6 महीने की सोबरिटी के बाद में ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि उसने वो उनके उनके रिलेशन खराब होने लगे। उसने दोस्तों मेरे पास में दोस्तों काफी लेट आया, वो जब एक्शन कर चुका था उसने दोस्तों उतावलेपन में इतना ज्यादा अमेंट्स में अमेंट्स के लिए दोस्तों अपने परत फेड़ के लिए उसने शतापूर्ति जो बोलते हैं दोस्तों की उसके लिए उसने दोस्तों इतना स्टार्ट काम कर दिया, इतना फास्ट दोस्तों काम करना चालू कर दिया।
अल्कोहलिक नहीं, उसे दोस्तों 90 डेज के बाद में, उसने दूसरे दिन जाके, उसको 90 डेज हुए दोस्तों, 91 डेज में उसने जाके अपनी वाइफ से शेयर करा कि मेरे को एक मेरी किसी ऑफिस में कलीग के साथ में मेरा अफेयर था, उसके साथ में मैं कई सारी बार मेरे रिलेशन बन चुके फिजिकल, और काफी सारी चीजें दोस्तों उसने ओपन माइंड शेयर करा। और दोस्तों उसके बाद में उसकी इतनी अस्त व्यस्तता हुई दोस्तों कि उसको उसके रिलैप्स की वो सिचुएशन आ गई दोस्तों, क्योंकि उसने ना सोब्रिटी मजबूत किया था ना कुछ दोस्तों। उसने जब वो बीबी के साथ में शेयर कर दिया उनके दोस्तों उनकी नेचुरल बात है कि उसके बाद में अल्कोहलिक यानी उसमें 3 साल की सोब्रिटी के बाद में जब दोस्तों वो घर इतनी बड़ी डैज दे रहा है, तो वो इतना उसकी वाइफ को इतना तकलीफ हुआ कि उसको दोस्तों काफी टाइम मैंने भी उसको कन्विंस करने की कोशिश किया, एलोलॉन ने भी जाके दोस्तों कन्विंस करने की कोशिश की, वो कन्विंस नहीं हुई दोस्तों। वो बोले कैरेक्टरलेस आदमी है, वो एक टाइम का इसका ऐसा ही है। लेकिन दोस्तों अल्कोहलिक एनिमल्स मेरे को वही बताती है कि मेरे को बहुत सारी जगह मेरे को प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों आज वो मियां बीबी का रिलेशन जो दोस्तों 8-9 साल में उनका खराब नहीं हुआ था, उसके अल्कोहलिज्म में दोस्तों उसके इतने भयानक तमाशे करने के बाद में, इतने धिंगाने करने के बाद में कई कई दिन दोस्तों वो घर छोड़ के चले जाता था, वो औरत बेचारी गई नहीं, उसने उसके बच्चे लोगों को संभाल के रखी दोस्तों, दोनों बच्चों को, और आज उसके ऐसे क्या रिलेशन हो गए दोस्तों कि आज 1.5 साल का समय होते आ रहा दोस्तों, आज लड़का सोबर है, आज 1.5 साल का समय होते आ रहा दोस्तों कि उसकी मिसेस उसको बच्चे को छोड़ के आवाज गायब हो गया। विशाल भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 जी जी विशाल भाई, सर आवाज। हाँ विशाल भाई, सुनाई दे रहा। ओके राइट सर, थैंक यू। फोन आ गया था एक्चुअल में, उसकी वजह से कट गया। तो दोस्तों अल्कोहलिक एनिमल्स मेरे को बताती है कि मेरे को काफी सारे टाइम दोस्तों मेरे को फूक फूक के कदम रखना है। और अल्कोहलिक एनिमल्स में दोस्तों मेरे को, मैं क्या है अल्कोहलिक एनिमल्स में आने के बाद मैं बहुत उतावल हो जाता हूँ कि मेरे को अभी सब चीजें मेरी अच्छी होने लगी है, मेरे को दोस्तों पूरा एकदम सब चीजें दोस्तों मेरे को फटाफट ठीक कर लाना है, मेरे को बीवी से रिलेशन अच्छे कर लेना है, मेरे को सोसाइटी से रिलेशन अच्छे करना है, मेरे को फैमिली रिलेशन अच्छे करना है, मेरे काम धंधे वापिस, मेरे कस्टमर वैसी मेरे पास में लाइन लग जाना चाहिए 50-50 कस्टमर की, मेरी सब अपेक्षा है दोस्तों ना, ये सब चीजें इतनी सारी रहती है। लेकिन मेरे को दोस्तों मेरे एक उल्टा है, मेरे दोस्तों जो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर है ना, उन्होंने मेरे को बड़े अच्छे तरीके से मेरे को समझाते हैं। और दोस्तों एक मुंबई से एक मेंबर आए थे, उन्होंने भी बड़ा अच्छा दोस्तों एक दो बार मीटिंग में बताया, उनके साथ में काफी दिन तक मैं फोन पे फॉलोअप में था, वो भी बड़ा अच्छा बताते दोस्तों कि मेरे को क्या है रिफ्रेश होते रहना पड़ेगा। हम लोग दोस्तों देखते कई सारी बार मैं अपने फोन को कंप्यूटर को रिफ्रेश करता हूँ, तो वो मेरे को बताते दोस्तों कि मेरे को हमेशा रिफ्रेश होते रहना पड़ेगा। उसमें क्या है मेरे को समझ में आते रहेगा कि मेरे को कब कौन से अमेंड्स मेरे को किस प्रकार से करने हैं और कौन सी किस दिशा में मेरे को जाना है। तो वो मेरे को हमेशा बताते कि अभी ठीक है, तुम अल्कोहलिक एनिमल्स में आ गए हो, तुमने अपने पुराने
मैनेजमेंट से अल्कोहलिक एनिमल्स में आते आते रहने से भी तुम लोग ने, तुम्हारे वजह से कई सारे लोगों को तकलीफें हुई है, तकलीफें हो सकती है। आज ऐसा नहीं है कि तुम अल्कोहलिक एनिमल्स में आगे हो, एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम तुम फॉलो कर रहे हो और स्पिरिचुअल प्रोग्राम फॉलो करने के बाद में तुम सही में संत महात्मा बन गए हो। तो ये सब चीजें होने के बाद में तुम्हारी जरूरी नहीं कि तुम्हारी सब चीजें अच्छी होने वाली है। तो तुम्हारी आज भी गलती है, तो तुम आज वो ठीक है, वो जब वो उसका समय आएगा वो तो तुम करोगे, लेकिन आज कम से कम, मतलब वो बोलते हैं ना कि तुम नदी को साफ नहीं कर सकते, लेकिन आज से तुम नदी को गंदी करना बंद कर दो। तो ये सब चीजें दोस्तों जब उन्होंने मेरे को बताना चालू करे, और मैंने दोस्तों कहीं ना कहीं एक अच्छे कर्म, एक पॉजिटिव सोच, एक बड़ा अच्छा दोस्तों अपनी रिकवरी बेस जो मैंने फॉलो करने लगा दोस्तों, मेरे काम धंधे में मेरे कस्टमर लोगों को जो चोट पहुंचाया था दोस्तों, कहीं ना कहीं जिनको अनजाने में दोस्तों मैंने धोखा दिया था उसको, उनको दोस्तों अनजाने में कहीं ना कहीं उसकी परत फेड़, और बहुत सारी चीजें दोस्तों जिनको फिजिकली मेंटली दोस्तों जिस तरीके से परत फेड़ की बात बोली जाती है अल्कोहलिक एनिमल्स में, कि मेरे रिलेशन किसी से ना खराब हो, मेरे रिलेशन लोगों के साथ में बने रहे दोस्तों। शायद अगर मैंने उस समय, मेरे को वो हमारे ओल्ड टाइमर ने नहीं बता रहे थे कि विशाल जाके तू आज परिवार से माफी मांग, हिम्मत तो कर यार, मैं हिम्मत ही तो नहीं करता हूँ, मैं हिम्मत नहीं करते बट मैं यहाँ पे जहाँ मेरे को स्पॉन्सर मेरा समझाते रहता, मैं अपने स्पॉन्सर को कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ, अरे सर नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, ऐसा नहीं तो ऐसा तो हो सकता ना, ऐसा नहीं तो मैं उसके बाद में तो वो कर सकता हूँ ना, मैं उनको ही कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। अल्कोहलिक एनिमल्स मेरे को बोलती है कि मेरे को जब मैंने आगे वाले पे भरोसा किया है तो मेरे को वो चीज उसके साथ में शेयर करना है। मैं दोस्तों क्या है, अपने आपको कंफ्यूज करता हूं, मैंने एक ही सब्जेक्ट, मैंने किसी से 5000 रुपए उधार लिया है तो वो आदमी मेरे को परेशान कर रहा है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं एक ओल्ड टाइमर से शेयर करूंगा, फिर एक मेरे इनिशियल स्पॉन्सर से शेयर करूंगा, फिर मैं अपने स्पॉन्सर से भी जाके शेयर करूंगा, फिर मेरे एक बड़ा क्लोज कलीग है उसके साथ में शेयर करूंगा, फिर मैं मतलब 5-5, 10-10 लोगों के साथ में शेयर करता हूं, फिर मेरे को मेरा स्पॉन्सर बताता है कि विशाल एक काम कर, उससे थोड़ा समय मांग, आज तेरे को 5000 का कर्जा है तो 5000 का कर्जा, तेरे को तेरी कमाई भी 5000 रुपए महीने की, अब तू 5000 रुपए महीने की, तो स्पॉन्सर मेरे को बोल रहा है एक काम कर विशाल, तू उसको बोल कि भैया मेरे को थोड़ा सा स्टेबल हो जान दे, फिर मेरा इग्निशियल स्पॉन्सर बोल रहा है भाई तू एक काम कर पढ़ा के उसको 5000 रुपए दे दे उठा के, ये महीने की पेमेंट देंगे तो पूरी उठा के, तो खाएगा क्या तू महीना भर नहीं खाएगा तो तू तकलीफ में आ सकता है। तो अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग मेरे को बता सकते हैं, इसलिए मेरे को एक ही आदमी के पास में मेरे को पूरे सोच समझ के साथ में मेरी सद्बुद्धि यूज करके मेरे को वो सब चीजें करके मेरे को कहीं ना कहीं वो उसको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मेरे को इसलिए बोलते हैं कि अल्कोहलिक एनिमल्स में कि मैं 5 लोगों के बाद में एक ही समस्या लेके शेयर करूंगा तो मेरे को 10 शायद उसको 5 रास्ते मिलेंगे, लेकिन मेरे को वो समस्या एक से ही करूंगा तो वो शायद उसके ऊपर काम कर पाऊंगा। हो सकता है शायद कोई डिफिकल्ट रास्ता बताए वो डिफिकल्ट रास्ते से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, कोई इजी रास्ता बताए वो इजी रास्ते से भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर होंगी। तो ये अल्कोहलिक एनिमल्स मेरे को बताती है दोस्तों। तो उस तरीके से जिस प्रकार से मैंने अपने अमेंट्स में दोस्तों मैंने बिना रिलेशन खराब करे आज दोस्तों देखता हूँ कि मैंने आज 10 साल के जीवन में दोस्तों मैंने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा मेरा जीवन होगा। आज मेरे भाई के साथ में इतने क्लोज, इतने अच्छे रिलेशन हो गए दोस्तों। आज वो फैमिली के साथ में मैं गदगद फ्रंट में रहता हूँ, हर चीज में फैमिली मेरे को फ्रंट में रखती है। आज दोस्तों सोसाइटी में जो खत्म हो चुका था, सोसाइटी में चारने की इज्जत नहीं बची थी, आज मेरे को समझ में आता है कि मेरे को वो रिलेशन, आज मेरे को समझ में आता है दोस्तों मेरे फैमिली जो रिलेशन खराब हुए थे लोगों से, जो मेरे को शादी में लोगों ने बुलाना बंद कर दिए थे, बर्थडे में बुलाने बंद कर दिए थे, फैमिली फंक्शन में बुलाना बंद कर दिए थे, सोसाइटी ने अपने फंक्शन में मेरे को बुलाना बंद कर दी थी, मेरे वजह से मेरे परिवार को फंक्शन में बुलाना बंद कर दी थी दोस्तों। आज मैं अल्कोहलिक एनिमल्स में आके मेरे को कुछ भी एफर्ट नहीं लगाने पड़े, सिर्फ प्रोग्राम को फॉलो करना पड़ा। प्रोग्राम को फॉलो करने से दोस्तों ये मेरे अंदर चमत्कार हुआ, ये मेरे अंदर परिवर्तन आया कि मैं एक अट्रैक्शन बना हूं। आज मैं सोसाइटी में दोस्तों अट्रैक्शन बना हूं, एक मैं अपने परिवार में दोस्तों, मैं फैमिली में एक अनयूज आदमी था, मेरे को ऐसा मतलब घर से बाहर निकलता तो घर वाले बीवी दिल पे पत्थर रख के सोचती थी कि आज ये नहीं आएगा तो चलेगा घर को, माँ सोचती थी कि ये सही में साला कहीं तो भी गायब हो जाएगा ना तो चलेगा। लेकिन दोस्तों आज कहीं ना कहीं वो लोग चाहते, आज रहा देखते कि मैं आधा घंटा लेट हो गया, दुकान बंद होगी तो मेरे को फट से फोन करती, बच्ची का फोन आएगा, मिसेस का फोन आएगा, माँ का फोन आएगा, कहाँ है तू, कहाँ पे हो तुम, पापा कहाँ हो तुम, कितना टाइम है आपको, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें दोस्तों आज मेरे को समझ में आता है। आज मेरे बच्चे का दोस्तों, मेरे बच्चे ने, मैं देखता था कि मेरे बच्चे के स्कूल की फीस कई दिन से भरी नहीं थी, मेरा बच्चा जब दोस्तों देखता था, मैं मेरा बच्चा स्कूल जाने को अवॉइड करता था दोस्तों, उसके पास सॉक्स नहीं रहा करते थे, उसके शूज में दोस्तों होल हो गए थे, और वो बच्चा अवॉइड करता था, स्कूल नहीं जाता था, स्कूल की फीस नहीं भरी थी उसके दोस्तों, उसके फ्रेंड लोगों के सामने मैडम उसको फीस की टोकती थी, तो बच्चा स्कूल जाने को नाटक करता था। आज दोस्तों मेरी बच्ची MBBS कर रही है दोस्तों, आज उसने मतलब 10 साल की रिकवरी में दोस्तों मेरे को काफी सारा भौतिक रिकवरी, अल्कोहलिक एनिमल्स बहुत सारी आती है दोस्तों, अल्टीमेटली आती है। अगर मैं प्रोग्राम पे ऑनेस्ट हूँ, मेरे को दोस्तों सही में मेरे अमेंट्स की रहे, मेरे को कहीं ना कहीं मेरे ऑनेस्ट कृति है, मेरी सोच है, तो मेरे को दोस्तों मेरी भौतिक रिकवरी अच्छी होने वाली है।
तो मेरे को फिर भी दोस्तों मेरे को आज मैं मतलब बच्ची को कि बेटी तेरे को ये करना है, मेरे को दोस्तों शुरू शुरू में बड़ा डिफिकल्ट लगा रहा है यार मेरे को, मैं तो ओपन में आता हूँ मैं कैसा कर पाऊंगा वगैरह वगैरह, आज फ्यूचर में उसको खर्चे जो आएंगे सब चीजें है दोस्तों, मैं तो उतना डिटेल में कभी नहीं जा पाया। एक ही बच्ची और उसने जब अपना एजुकेशन पकड़ी उसने बोली कि पापा मेरे को MBBS करना है, मेरे को नीट लेके उसमें MBBS में जाना है, तब उसने दोस्तों अच्छे पर ये सब चीजें, मैंने बोला ठीक है तुम मेहनत करो हम कोशिश करेंगे जितनी अपनी हमारे से हो सकी। तो जो बच्चे की दोस्तों मैं स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा था 10,000-12,000 रुपए, आज दोस्तों आज वो बच्चे के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए खर्चा करने के लिए दोस्तों मैं ताकत बनाने की हिम्मत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें दोस्तों आज कम से ठीक है मैं करूंगा नहीं करूंगा जितना होगा जैसा होगा, अल्कोहलिक एनियोस में आज आने के बाद में दोस्तों भौतिकता की बात नहीं की जाती, लेकिन अल्कोहलिक एनियोस में आने 25-50 लाख रुपए तो आज कम से कम मेरे पास बैलेंस कर चुका हूं मैं, जो अपना बुढ़ापा के लिए सेविंग करके रखा, जो बच्चे के शादी के लिए करके रखा था, बोला बेटी पूरा लगा देंगे कोई टेंशन नहीं हम करेंगे अपन करेंगे, बोला मिलके करेंगे कोई तकलीफ नहीं। आज दोस्तों ये अमेंट्स में आता है ये सब चीजें, आज मेरे को हिम्मत ये ताकत, आज वो बच्ची को हिम्मत देना उसको कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस देना उसको ताकत देना ये सब चीजें कहाँ से सीखी दोस्तों, ये अल्कोहलिंग एनिवर्स मेरे को बताई। आज बहुत सारी चीजें दोस्तों सही में मैं उसकी भावनाओं को उसके इमोशंस को नहीं रिकवरी कर उसको परतफेड़ नहीं कर सकता हूँ, और बच्चे को जब मैंने टॉर्चर किया उसको इतना तकलीफ दिया उसको एक एक रुपए के लिए मोहताज किया उसको चॉकलेट के लिए तरसाया उसको पेन पेंसिल के लिए तरसाया उसकी फीस नहीं भरा हूं, आज मैं कहीं ना कहीं उसकी वो भावना है उसके वो इमोशंस को दोस्तों मैं शायद पूरा नहीं वहां नहीं कर सकता हूं, लेकिन आज वो जो मेरी बच्ची चाहती है आज जो उसकी इच्छा है तो आज उसकी इच्छा पूरी करने का कर्तव्य मेरा बनता है दोस्तों, आज ये मेरी जवाबदारी बनती है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्तों, और ये मेरी जवाबदारी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ दोस्तों ये मेरे अमेंट्स है। मैंने दोस्तों एक लव मैरिज करके लाया था वो लड़की खून के आंसू रुला दिया था उसकी गत कर दिया था दोस्तों, मैं तो ओपन माइंड हमेशा शेयर करता हूँ दोस्तों खुले, इससे कि मेरे औरत के पास में अंडर गारमेंट तक ढंग के नहीं बचे थे, इतनी ज्यादा गत कर चुका था, इतने ज्यादा दोस्तों चवन्नी के वादे कर चुका था मैंने घर में, आज उसको दोस्तों हर वो सुख देने की कोशिश करता हूँ, और बेचारी बहुत अच्छी है दोस्तों भौतिक सुख से उसको कोई मतलब नहीं है, वो बोलती तुम्हारा नेचर बस तुमने अल्कोहलिक एनिमल्स में जाके ये परिवर्तन आते रहे यही बहुत बड़ी बात है। अभी दोस्तों हमारे घर में क्या है सब शॉर्ट टेम्पर लोग है, मेरी सिस्टर रहती है मेरे घर से कुछ 4-5 किलोमीटर दूर पे मेरी सिस्टर रहती है, और छोटे भाई का और हमेशा इनका बिजनेस दोनों ने साथ में कॉमन किए दोस्तों, चाहे हमारा 4-5 शॉप है तो 4-5 शॉप में 2 छोटे भाई की है 2 शॉप मेरी है 1 भांजे लोगों की है, लेकिन सब मेरे नाम से विशाल बाइक पॉइंट होंडा पॉइंट वगैरह वगैरह ऐसा चलती है पूरी। तो एक दिन वो उनका बिजनेस का कुछ मैटर है तो भांजे लोग और छोटा भाई साथ में काम करते हैं, मैं दोस्तों सेपरेट हूँ, तो उनका कुछ मैटर था वो घर में उन लोगों की एक बढ़िया युद्ध हो गया उनका बहुत फाइट चलने लगी, मम्मी ने मेरे को फोन करके मेरे को बुलाई विशाल तू आ रे बेटा, मैं गया और मैं जाने के बाद में दोस्तों ऐसा हुआ कि वहां पे जब मेरे भाई की और मेरी मम्मी की फाइट हो रही मेरी दीदी की फाइट हो रही थी तो वो दोनों के बीच में मैं गया और उनको मैंने शांत करवाया उनको समझाया, वो लोग मेरी बात सुन के समझ गए, बाद में फिर वहां पे बैठे हम लोग ने हंसी मजाक हमारी सब बातचीत होने लगी, उसके बाद में मेरी मम्मी को मैंने बोला मैंने ये 2 बच्चे तेरे हैं उसके बाद में मैं तेरा बच्चा हूँ कि नहीं, बोला कभी मेरे बारे में सोच लिया कर मेरे बारे में फिकर कर लिया कर दोस्तों, मेरी माँ ने बड़ा एक सटीक और बड़ा सुंदर जवाब दी मेरी मम्मी ने मेरे को, मेरी मम्मी मेरे को बोली बेटा तू जहां जाता ना वहां पे पूरी जिंदगी जाते रहना, वो दोस्तों मेरी माँ ने क्यों बोली, मेरे माँ ने मेरी मम्मी ने दोस्तों मेरे अंदर मैं मेरी माँ को बोला मैंने तूने मेरे को कहीं कचरे से तो उठा के नहीं लाई इसी मजाक कर रहा था, लेकिन मेरी माँ बोले बेटा हमने शायद तेरे को वो परवरिश नहीं दे पाए, हमने शायद तेरे को वो शिक्षा नहीं दे पाए, हमने शायद तेरी वो सब चीजें नहीं कर पाए, हमने पता नहीं हमने तेरी मतलब कौन सी कमी रह गई थी, लेकिन तू जहाँ पे जा रहा है ना वहां जाते रहे, क्योंकि वहां पे जाते रहने से तेरे अंदर जो परिवर्तन आया ना शायद मैं भगवान को मतलब कुछ भी करके वो सब चीजें तेरे अंदर नहीं आ सकती थी, मेरी माँ ने दोस्तों साक्षात बोले तेरी माँ जो है ना बोले तो वो जो तेरी मीटिंग है ना बोले वही तेरी माँ है बोले, क्योंकि आज पूरे घर में बोले तूने पूरे घर को संभाल लिया बोले फिर से, तो मेरी माँ जब मेरे को बोलती है आज मेरे को उस दिन लगा दोस्तों कि यार देखो ये माउली ने मम्मी ने मेरी की बेचारी ने अपना स्पेस जब वो मीटिंग को दे दी, वो कभी मीटिंग में आई नहीं, एक बार मेरे को बर्थडे का मेडल देने आई थी उसके बाद में कभी मीटिंग को नहीं आई, मीटिंग में क्या होता है क्या बोलते हैं क्या सुनते हैं, लेकिन उसने बेचारी ने अपना स्पेस जो मेरे को अपने 9 महीने अपने पेट में रख के दोस्तों मेरे को पैदा करी, और वो माँ ने अपनी जगह बोले तेरी मीटिंग ही तेरी माँ है दोस्तों, तो क्या लेकर गया हूँ यार अल्कोहलिक एनिमल्स से मैंने घर में, सही में दोस्तों अल्कोहलिक एनिमल्स से मैंने अपने आप को अल्कोहलिक एनिमल्स के सांचे में ढाल के लेकर गया, मेरी माँ को दोस्तों सही में वो मैं बोलता ना मेरी माँ को जो गंदी गंदी गाली देके उद्धार करा हूँ उसको, मैंने जो घर से बर्तन फेंक के मारने को उठा हूँ मेरी माँ बिचारी दौड़ते हुए चले गए घर के अंदर, तो ये सब चीजें जो मैंने किया दोस्तों मेरी औकात है क्या कि मैं क्षतापूर्ति कर सकूंगा इसकी भरपाई मैं कर सकूंगा, लेकिन आज उसको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा है वो सेटिस्फेक्शन दोस्तों मेरी कहीं ना कहीं वो भरपाई है,
मैं कम से कम उतना तसल्ली अपने आप को देता हूँ कि यार मेरी माँ आज इतना सोच रही है मेरी, मतलब इतना बड़ा सोच रही है मेरे बारे में, तो कुछ बात है। और दोस्तों मैं कंटिन्यू करने को चाहता हूँ उसको, और कंटिन्यू कर रहा हूँ दोस्तों आज भी, तो अनगिनत तरीके से दोस्तों मेरे रिलेशन देख रहा हूँ अल्कोहलिक एनिमल्स में आने के बाद में, मेरे रिलेशन सभी से अच्छे होते जा रहे, मेरे रिलेशन दोस्तों प्लस पे प्लस होते जा रहे। हम अल्कोहलिक एनिमल्स में आने के बाद में मेरे अगर रिलेशन खराब होते रहेंगे, मेरे को दोस्तों बेस स्टार्ट करना पड़ेगा, मेरे को मेरे परिवार से स्टार्ट करना पड़ेगा। काफी मैक्सिमम टाइम देखता हूँ दोस्तों हमारे अल्कोहलिक एनिमल्स में जब न्यू कमर्स आता है, सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन मेरी औरत ऐसी, मेरी वाइफ ऐसी, मेरी बीबी। अरे यार ठीक है, वो जितनी उतने तुम भी हो, उसकी गलती नहीं है। मैं दोस्तों 8 लाख रुपए का 9 लाख रुपए का कर्जा कैसा फिटेगा, कैसा फिटेगा, कैसा होगा। बैंक वालों ने नहीं बोले थे मेरे को 420 करने, लेकिन मैंने दोस्तों कर चुका था। लेकिन अल्कोहलिक एनिमल्स में ऐसा आया कि मेरे पापा की डेथ हुई दोस्तों लास्ट कल, मेरे पापा की डेथ को 4 इयर्स कंप्लीट हो गए दोस्तों। उनका दोस्तों 27/10/17 को उनका डेथ हुआ था, और उस समय दोस्तों घर में काफी सारे मेहमान थे। उस दिन पापा का सब क्रियाकर्म वगैरह करके दोस्तों हम लोग आए थे। दूसरे दिन हम लोग सुबह सुबह फैमिली बैठी थी दोस्तों, पूरे रिलेटिव्स बैठे थे, पापा के इंदौर वाले भी पूरे भाई लोग आए हुए थे दोस्तों, और मेरी बसी हो गई थी दोस्तों, मेरी सोबराइटी 5.5-6 साल की मेरी सोबराइटी, सॉरी 6-7-7-1 साल की मेरी सोबराइटी थी, 7-7.5 साल की। और उस समय दोस्तों मैं इंटरग्रुप चेयरमैन भी था। और उस समय दोस्तों ऐसा हुआ कि वो मेरे को बैंक से फोन आया, वो मैडम मेरे को बोलती कि सर आपका वो पेमेंट बैलेंस है। मैंने फोन उठा लिया, और मैं काफी दिन से उनको चूतिया बना रहा था, फोन नहीं उठा था। मैंने फोन उठाने के बाद बोला, मैडम अभी मेरे घर में डेथ हुई है मेरे पापा की, और ये सिचुएशन, मैं उनको अपना इमोशनल फायदा उठाने की कोशिश कर रहा। तो वो मेरे को बोलती है कि सर आपके पापा की डेथ आज हुई है, आपका बैलेंस 2016 का है, 2006 का है, 2007 का है। और मेरे को दोस्तों उसने जब मेरे को बोली, तो मैं बोला तू मेरे को सिखाएंगी वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों मैंने उस दिन रात को जाने के बाद में अपनी गलती रियलाइज किया कि वो कहाँ गलत थी और मैं कहाँ गलत था। और दोस्तों मैंने बता रहा हूँ कि मैंने कुछ उनको टाइम, उनको बुलाया फिर बाद में वो बैंक वालों को, और उनको मैंने कुछ टाइम लिया, और टाइम लेने के बाद में वन टाइम में दोस्तों उनका बैंक का वो सेटल किया मैंने, उस वो जो जिस बैंक से आई, से बैंक से आई थी दोस्तों, बाकी के भी मैंने धीरे धीरे करके सेटल किया। धीरे धीरे दोस्तों आज मेरे को कहीं ना कहीं मेरे बैंक में मेरी सिविल मेरा ग्रोथ होने लगा। ये भी मेरा अमिट से दोस्तों, ये भी मेरे को मेरी कहीं ना कहीं रिकवरी में फ्यूचर में काम आने वाला है दोस्तों। मेरे को रिफंड करना पड़ेगा, मैंने लिया हूं आज दोस्तों। मैंने कहीं आज उनको मैंने बोला है कि आपका जो जो वाजिब इंटरेस्ट बनता है उसमें लो। तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर अगर दूसरा कोई रहता तो हम इतने में सेटल कर दे रहे, आपका हम लोग सेटल नहीं कर रहे हैं, आपका क्लोजिंग कर रहे हैं। मतलब ठीक है आप क्लोजिंग करो। मैंने धीरे धीरे दोस्तों उसको क्लोजिंग किया, मैंने नहीं सेटल किया, मैंने जाके वो सब चीजों को ठीक है धीरे कर डिलीट कर। अगर रिलेशन अच्छे दोस्तों, आज मेरे अंदर वो परिवर्तन है। मैं एक साल एक भयानक आदमी था दोस्तों, 10 साल पहले वो आया वाला आदमी जिसके लिए दारू से दूर रहना इम्पॉसिबल बात था दोस्तों। आज मेरे को आसानी से कोई दारू नहीं पिला सकता, मैं दारू नहीं पी सकता, क्योंकि दोस्तों आज मेरे को समझ में आया कि 12 स्टेप क्या होते हैं, अल्कोहलिक एनिमल्स का आध्यात्मिक प्रोग्राम क्या होता है, क्या होती है स्पिरिचुअल रिकवरी क्या होती है, आज मेरे को रियलाइज होती है दोस्तों। ये मैं रोज देखता हूँ अपनी आंखों से, रोज मेरी आंख के ऊपर की पट्टी खुल रही है दोस्तों। आज अल्कोहलिक एनिमल्स में आने के बाद में जैसे जैसे मेरी मैच्योरिटी बढ़ रही है दोस्तों, तो हर वो दिन मेरे को रियलाइज करवा रहा है, मेरे आंख के सामने से वो एक पट्टी खुलती है, मेरे को हर वो दिन नया जीवन दिखता है, क्योंकि मेरे हर दिन वो जीवन में मेरे कुछ ना कुछ मेरे लाइफ में प्लस हो रहा है। मैंने दोस्तों हर वो अल्कोहलिज्म में देखता हूँ कि आज से मैं 10.5 साल पहले जब आया था मेरे जीवन में हर वो चीज कमी होती जा रही थी। आज मेरे कस्टमर टूट गए, कल मेरे गाड़ी बिक गई, कल मेरे पास में पहनने को कपड़े नहीं है। हर वो दिन मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ फिजिकली मेंटली भौतिक हर चीज में मेरे साथ में माइनस माइनस होते जा रहा था, आज मेरे साथ में प्लस प्लस होते जा रहा है दोस्तों। आज रिलेशन मेरे साथ में प्लस हो रहे, मेरे को अल्कोहलिक एनिमल्स बताते हैं रिलेशन इज अ मस्ट, क्योंकि यही है दोस्तों रिलेशन ही है जो मेरे को ताकत देने वाले, रिलेशन ही है जो मेरे को सब चीजें दिखाने वाले। अल्कोहलिक एनिमल्स के रिलेशन मेरे को स्पिरिचुअलिटी सिखाने वाले, बाहर के रिलेशन मेरे कमर्शियल रिलेशन, मेरे सोसाइटी के रिलेशन जो है दोस्तों मेरे को सोशल एक्टिविटी बताने वाले, मेरे कमर्शियल रिलेशन मेरे को बिजनेस देने वाले, मेरे पर्सनल रिलेशन दोस्तों मेरे को कहीं ना कहीं मेरा वजूद देने वाले। तो ये सब चीजें आज मेरे रिलेशन को नहीं खराब होते हुए मेरे को अपने बारे में सोचना है दोस्तों, तो मेरे को अमिट्स भी करना है, मेरे को उसकी भरपाई भी करना है, उसकी मेरे को पूर्ति भी करना है। लेकिन मेरे को मेरे रिलेशन जहाँ पे खराब हो सकते हैं मेरे को ध्यान में रखना है दोस्तों, कि मेरे को कहीं ना कहीं उसके लिए काफी सारा सोचना पड़ेगा, मेरे को अपने स्पॉन्सर से बात करना पड़ेगा कि जहाँ पे मैं ये चीज करने जा रहा हूँ, जैसा मैंने फॉर एग्जांपल दिया दोस्तों कि मेरे स्पॉन्सर ने जो गलती किया है वो ऐसी गलती मैं ना करूँ, मेरे को मैच्योरिटी हासिल करूँ। मेरे को शायद हो सकता है कि आज मेरे को लेने की जरूरत नहीं है, मैंने इतने साल जब बर्बादी करा हूँ, इतने साल तक उनको दुख पहुंचाया हूँ, इतने साल तक उनको टॉर्चर किया हूँ, तो शायद और ठीक है आज मैं टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ,
आज मैं 5 साल का समय ले सकता हूँ, 2 साल का समय ले सकता हूँ उसकी क्षतापूर्ति के लिए, शायद मेरे नए रास्ते खुलेंगे, उसके लिए मेरे को समय पे छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, और जो चीजें मैं अमेंड्स में आज के डेट में मेरे को जितनी ताकत है उस हिसाब से जो अमेंड्स कर सकता हूँ वो कर लेना चाहिए दोस्तों, मैंने तो कर रहा हूँ दोस्तों। आज मेरे को अल्कोहल अगेंस्ट का ग्रेटिट्यूड है, मेरे फैमिली का ग्रेटिट्यूड है, मेरे सोसाइटी का ग्रेटिट्यूड है, मेरे को अपना खुद का ग्रेटिट्यूड है दोस्तों, क्योंकि मैंने अपने आप को दोस्तों बहुत संभाला है, मैंने अपने आप को बहुत सपोर्ट किया है, मैंने अपने आप को बहुत ताकत दिया है, मैंने अपने आप को बहुत हिम्मत बढ़ाने की कोशिश किया है, और ये सब चीजें दोस्तों आप लोगों को जब तक हाथ नहीं पकड़ता था तब तक नहीं आई। तो दोस्तों वो एक्शन मैंने करना चालू करा, आप लोगों का हाथ पकड़ना चालू करा, आप लोगों की बातें जब अपने मेरे कान तक जाने लगी दोस्तों तो मैंने उसको सही तरीके से ढालने की कोशिश किया, उस सांचे में उतारने की कोशिश किया। तो देख रहा हूँ दोस्तों जीवन में आज वही बीवी है, वही बच्चा है, वही सोसाइटी है, वही सब कुछ है, और वही विशाल है दोस्तों, वही मेरा बिजनेस है, सब कुछ वही है। मेरे जीवन में नहीं है सिर्फ दारू, और मेरे जीवन में है सिर्फ अल्कोहलिक एनिमस का ये 12 स्टेप का रिकवरी प्रोग्राम दोस्तों, सुंदर प्रोग्राम जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ एक दिन के साथ, बहुत सुंदर सरल ब्यूटीफुल लाइफ जी रहा हूँ दोस्तों। आप लोग ने मेरे अनुभव सुने, आप लोग ने मुझे दोस्तों यहाँ पे ये अनुभव शेयर करने का चांस दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।